अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो टॉप के 10 बॉलर्स जो ICC रैंकिंग में हैं कौन कौन से हैं। तो उनके लिए हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से और किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और उसके बाद आपने ये पूरी वीडियोस मुकम्मल वॉच करनी है, ताकि आपका कोई ऐसा रह ना जाए जिसकी आपने रैंकिंग देखी नहीं हो। तो आइए बात करते हैं, नंबर 10 पर है राशिद खान, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से है और इनके पॉइंट 645 हैं। और उसके बाद आते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर नंबर 9 पर मिचेल सेंटनर, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से है। ये इनके पॉइंट से 645, मतलब राशिद खान और इनके पॉइंट्स दोनों सेम हैं। और उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर तबरेज़ शमसी, जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम से है और ये भी ICC रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। और उसके बाद आते हैं जोज हेजलवुड, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से है और ये इनके पॉइंट भी 654 हैं। तबरेज़ शमसी और जोज हेजलवुड के पॉइंट्स 654 हैं और तबरेज़ शमसी के भी 654 हैं और इसके भी 654 हैं। तो आप ये देखें कि लास्ट के जो 7, 8, 9, 10, इनके दो के नंबर सेम है और आखिर के दो के नंबर रैंकिंग पॉइंट जो नंबर है वो सेम है। और उसके बाद आते हैं नंबर 6 पर है रवि बिश्नोई, 659, ये पता नहीं कैसे आ गए भाई रैंकिंग में, क्योंकि ये इतने तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते, वो बहुत कम ही खेलते, लेकिन ये रैंकिंग में आए हुए हैं भाई। वेल डन रवि बिश्नोई, ये इंडिया की क्रिकेट टीम के हैं, इनका नंबर 6 है, ये 6 रैंकिंग पर हैं। और उसके बाद हैं महेश तिक्षाना, ये है जिनका ताल्लुक श्रीलंका क्रिकेट टीम से है और इनके पॉइंट हैं 659 और इसके भी पॉइंट हैं रवि बिश्नोई के भी 659, मतलब दो प्लेयर्स के फिर पॉइंट सेम हो गए। लास्ट के 6 प्लेयर्स के पॉइंट बिल्कुल सेम है, मतलब 659, 654, 654, 645, 645। वाओ, ये अजीब और इंटरेस्टिंग रैंकिंग है ICC की, कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि बॉलर्स के पॉइंट्स ज़्यादातर के सेम है। तो अभी देखते हैं कि कौन आता है ऊपर, कौन जाता है नीचे। और उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, जिसका ताल्लुक इंडिया क्रिकेट टीम से है और इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक नंबर इजाफा है, यानी 660 है। तो ये नंबर 4 पर मौजूद हैं अक्षर पटेल, और जिसका ताल्लुक इंडिया क्रिकेट टीम से है। और उसके बाद अकील हुसैन, इसके नंबर 664 हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये नंबर 3 पर मौजूद हैं। और देखते हैं कि आगे ये और कितना सर्वाइव कर पाते हैं या नीचे आएंगे। तो उसके बाद हैं हसरंगा, जिसका ताल्लुक श्रीलंका क्रिकेट टीम से है, जिसके नंबर हैं 687, मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पूरी परफॉर्मेंस करेंगे तो नीचे आएंगे, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद है नंबर 1 पर मौजूद हैं आदिल राशिद, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड क्रिकेट टीम से है और इसके पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, 726 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये नीचे तो आने वाले नहीं हैं, इनका थोड़ा अर्सा लगेगा, टाइम लगेगा कि पूरी परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ये नीचे आ सकते हैं, वरना इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये थी आज की ICC रैंकिंग। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करके आगे अपने दोस्तों को सेंड करना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।